आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक का यूनिट 7 की स्टोरी द गिविंग ट्री। देखो थोड़ी सी लेंथी है बट ये बहुत अच्छी स्टोरी है। जब मैं फोर्थ में थी तो ये मेरी फेवरेट स्टोरी थी। एक नहीं है सलाम क्लॉक और द गिविंग ट्री, क्योंकि ये दोनों जो स्टोरी है ना ये आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताती है। खैर गिविंग ट्री में ऐसा तो नहीं आपको कोई मोटिवेशन मिलेगा बट इसमें जो फीलिंग्स बताई है ना वो बहुत अच्छी है। एक तरीके से इसका मैं आपको इस स्टार्ट में समरी नहीं बताऊंगी, आप इसको खुद सुनना ध्यान से कितनी प्यारी स्टोरी है ये। तो इसमें मतलब द गिविंग ट्री से समझ आ रहा है देने वाला पेड़, जो हर वक्त देने के लिए तैयार होता है, उसे क्या देना है। और मतलब इतना सा भी वो अपने पास नहीं रखता, हर चीज़ दे देता है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। हो सकता है आपने कभी सुनी भी हो इसे, क्योंकि फेमस स्टोरी भी है। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, आपको कैसा लगता है जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हो। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय, पढ़िए इस प्ले को और पता करिए कि एक ट्री को कितना अच्छा लगता है जब एक बच्चे की मदद करता है। ये वाला जो प्ले है ना ये कई स्कूलों में प्ले भी किया जाता है। तो नरेटर, वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। नरेटर, मैंने आपको निया सलाम क्लॉक में बताना है भूल गई कि नरेटर कौन होता है। देखो नरेटर वो होता है जो स्टोरी समझाते हैं। जैसे आप कोई ड्रामा देखते हो तो उस ड्रामा के बीच बीच में लोग आते हैं ना कि अब 10 साल बाद ऐसा होगा, ये यहाँ काम करने लगी, वहाँ ऐसा हुआ। तो इसी तरीके से जो है ना वो नरेटर हमको बताते हैं कि स्टोरी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो नरेटर हमसे बोलता है कि एक ट्री है जो एक बच्चे से, छोटे से बच्चे से बहुत प्यार करता है। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी, मतलब कंपनी मतलब उसके साथ रहता है। हर एक दिन जो बॉय है वो उस ट्री को देखता है और उसके साथ खेलता है, एंजॉय करता है। हम बोलते हैं ना बैड कंपनी, बुरी संगत में नहीं जाना चाहिए, तो वही कंपनी में संगत। तो फिर ट्री हमसे बोलते हैं, मतलब ट्री कहा है कि केम हियर माय बॉय केम एंड क्लाइम ऑन माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। तो ट्री क्या बोलते हैं कि आओ मेरे बच्चे, मेरे बॉय आओ मुझ पर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस पे झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, वो ब्रांचेस में जाता है। ओह व्हाट फन, कितना अच्छा है। ट्री बोलता है कि आर यू हंग्री ईट माय एप्पल्स, अगर तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल्स खाओ। बॉय ईटिंग एप्पल्स, बॉय जब एप्पल खाता है, हाउ डिलीशियस, कितने प्यारे हैं ये। फिर नरेटर बोलता है व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्टेप्ड अंडर द ट्री, जब वो बॉय थक जाता है तो वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट शेड, जो पेड़ है वो बहुत खुश रहता है कि वो उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को शेड देता है। बट टाइम वेंट बाय, लेकिन समय बीतता है और जो बच्चा है वो बड़ा होता है एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला जाता है। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब जो ट्री है वो अकेला रहने लगता है। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ टाइम बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री, जो बॉय है वो ट्री के पास आता है और वो जो ट्री है वो बहुत खुश हो जाता है। ट्री बोलता है कि केम माय बॉय केम एंड क्लाइम ऑन माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, है ना मेरे ब्रांचेस पे झूलो। वो बोलता है बॉय कि आई एम टू बिग टू क्लाइम, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ कि अब आपके साथ खेलूँ और प्ले करूँ। आई वेंट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और ताकि मैं कुछ पैसे वगैरह कमा सकूँ, कि आप मेरे को पैसे दे सकते हो मनी। तो वो ट्री बोलता है कि सॉरी मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता बट आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ लीव्स और एप्पल्स हैं। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल दैम इन द मार्केट, तो मेरे एप्पल्स ले सकते हो और उन्हें मार्केट में सेल कर सकते हो। देन यू विल हैव मनी, और फिर तुम्हें मनी जो है वो मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से वो बोलता है। फिर नरेटर बोलता है द बॉय हैप्पली प्लग द एप्पल्स एंड कैरी दैम अवे, जो बॉय है वो खुशी से एप्पल्स लेता है और वहाँ से चला जाता है। दैट ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी बहुत खुश रहता है। बट द बॉय स्टे अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और वो जो
मतलब बॉय है वो बहुत टाइम के लिए वहाँ से चला जाता है एंड द ट्री वाज सैड। अब वो जो पेड़ है वापस से दुखी हो जाता है। वन डे द बॉय केम एंड ट्री शॉक विद जॉय। एक दिन फिर से वो बच्चा आता है और जो ट्री है वो शॉक हो जाता है। ट्री बोलता है कि केम माय बॉय केम क्लाइम ऑन माय ट्रंक स्विंग माय ब्रांचेस ईट माय एप्पल्स एंड प्ले इन शेड एंड बी हैप्पी। इस तरीके से बोलते हैं कि आओ मेरे बच्चे हैं ना मेरी क्लाइम करो ट्रंक पे ब्रांचेस पे मेरे एप्पल्स खाओ खेलो मेरे साथ। तो बॉय बोलते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ कि पेड़ पे क्लाइंब करूँ। आई एम गेटिंग मैरिड मैंने शादी कर ली है। आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन मुझे एक घर चाहिए मेरी वाइफ के लिए और मेरे बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो। पुट्री बोलता है ये आई हैव नो हाउस बट मे यू कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। तो ट्री क्या बोलता है कि मेरे पास हाउस तो नहीं है लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस को कट करके घर ज़रूर बना सकते हो। फिर नरेटर हमें बताते हैं कि बॉय जो है वो ट्रीज की ब्रांचेस को कट कर देता है और उन्हें लेके चला जाता है और घर बना लेता है। ट्री जो है वो भी बहुत खुश होता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर से वो बच्चा जो है बहुत टाइम के लिए चला जाता है। बट द ट्रीज वॉज सैड अगेन। ट्री जो है फिर से दुखी हो जाता है। एंड वैन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स और कुछ टाइम बाद जब वो वापस आता है द ट्री वॉज सो हैप्पी डेट इट कुड हार्डली स्पीक है ना। ट्री जो भी बहुत खुश हो जाता है। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन। अब जो बॉय है वो एक यंग मैन होता है। तो ट्री बोलता है केम बॉय केम वॉट आई कैन डू फॉर यू मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। फिर वो यंग मैन बोलता है कि मैं तो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ मेरे को तो बोट चाहिए ले जाने के लिए क्या आप मेरे को बोट दे सकते हो। तो वो ट्री बोलता है कि हाँ मेरे पास ट्रंक बची है तो मुझे काट लो और बोट बना लो वहाँ से तुम जा सकते हो। फिर नरेटर बोलते हैं कि यंग मैन जो है उनकी ट्रंक पे काट लेता है और बोट बनाता है और ट्री जो है फिर वो अकेला अपनी स्टंप के साथ रह जाता है ना। ये देखो उस तरीके से ये काट लेता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब जो यंग मैन है वो वापस आते हैं। और नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। वो जो ट्री है ना और वो जो बॉय है वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं। ट्री बोलते हैं कि अब सॉरी मैं मेरी फ्रेंड मैं तुम्हारे को कुछ भी नहीं दे सकता मेरे एप्पल्स भी जा चुके हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि मेरे टीथ जो हैं उतने स्ट्रांग नहीं है कि मैं एप्पल खा सकूँ। फिर ट्री बोलता है कि मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं है फिर तुम स्विंग कर सको। ओल्ड मैन बोलता है कि मैं उतना भी मतलब आए मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ आप स्विंग करने के लिए। फिर ट्री बोलता है कि मेरी ट्रंक पर जा सकते हैं तुम उस पर भी क्लाइंब नहीं कर सकते। ओल्ड मैन बोलता है कि मैं बहुत टायर्ड हूँ उस पर क्लाइंब करने के लिए। ट्री बोलता है कि सारी मेरे को सॉरी अब तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है ना कि मैं तुमको कुछ दूँ लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास बस एक ओल्ड स्टंप बची है। फिर वो सॉरी बोलता है। फिर ओल्ड मैन बोलता है कि डियर ट्री मेरे प्यारे से ट्री Have you always given? तुमने मुझे हमेशा कुछ दिया है बट नाउ आई डोंट नीड मच अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अब मुझे तो छोटी सी प्लेस चाहिए जिसमें मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। फिर ट्री खुश होकर बोलते कि वेयर आर ओन एंड ओल्ड स्टैम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। वो बोलते कि एक ओल्ड स्टैम्प जो है वो बैठने के लिए बहुत अच्छी है आओ मेरे फ्रेंड यहाँ बैठो और रेस्ट करो। फिर नरेटर बोलते हैं द ओल्ड मैन वही करता है और वो जो ट्री है वो खुश हो जाता है ना। कहाँ से ली गई है ये अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री से ली गई है शेल सिल्वर स्टीन से। तो आपको स्टोरी समझ में आई है। इसमें हमको बताया था एक ट्री के बारे में है ना ट्री के बारे में जो हर वक्त जो एक पर्सन है ना एक इंसान को देता रहता है ना मतलब वो कभी हार नहीं मानता कि उसे क्या देना है क्या नहीं। तो वो कभी भी हार नहीं मानता है कि उसे क्या देना क्या नहीं देना। हर वक्त वो बॉय जब छोटा रहता है तो खेलने के लिए बड़ा होता है तो लकड़ी दे देता है फिर और बड़ा आता है तो बोर्ड दे देता है फिर जब वो बूढ़ा होता है तो उसे देखो बैठने के लिए जगह दे देता है। अगर आप इस ट्री को अपने पेरेंट्स से कंपेयर करके देखो ना तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं लेकिन यही है कि वह आपको छोटे में भी देंगे बड़े में भी देंगे और जब वो बूढ़े होंगे ना तब भी वह आपको देंगे जो भी आप उनसे मांगोगे। तो मतलब हर वक्त दिया है कितनी प्यारी स्टोरी थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो मोटिव इसका यही था कि हमको हेल्प करते रहना चाहिए। आपके पास कुछ भी हो आप मदद करो। कई लोग क्या करते हैं अक्सर मतलब जहाँ तक मैंने सुना है होता है
जो रिच पीपल होते हैं वो अपनी सैलरी जो भी होती है, कई लोग करते हैं जो अच्छे होते हैं, अपनी सैलरी में से 50% वो इन्वेस्ट करते हैं, 50% और 50% मतलब 50% वो क्या करते हैं अपने लिए रखते हैं, और 50 का आधा मान लो मतलब थोड़ा टाइम वो थोड़े पैसे किसके लिए करते हैं, गरीबों के लिए रखते हैं, है ना, मतलब उनकी मदद करने के लिए रखना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, थैंक यू।